हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, उन सभी चीजों को इस बड़े से स्फीयर में देखने जा रहे हैं। ऐसा लगेगा जैसे सच में हम लोग आज स्पेस में आए हैं, एस्ट्रोनॉट बन के और घूम रहे हैं आसमान। क्या है ये? अर्थ पृथ्वी, जिसको हम लोग ब्लू प्लैनेट, ब्लू मार्बल के नाम से जानते हैं, है ना। यही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, जिस कारण से इसको यूनिक प्लैनेट के नाम से जानते हैं। ओके, ब्लू मार्बल, ब्लू प्लैनेट अर्थ। तो क्या रीजन बनाता है यहाँ पर पृथ्वी पर रहने युक्त? क्या क्या चीजें हैं आप लोग बच्चे बता सकते हैं? हमारे अर्थ पे क्या ऐसा चीज है जो कि रहने युक्त बनाता है? पहला चीज, क्योंकि यहाँ पर वाटर बॉडी है, पानी है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन है, रिसोर्सेज है ना। मेन मुद्दा यह है कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, जिस कारण हम लोग यहाँ पर जीवन व्यतीत करते हैं, यानी लाइफ सर्वाइव करते हैं। ओके, आप लोग मैप वर्क पर काम किए होंगे तो यहाँ पर कलर देख पा रहे हैं आप लोग, है ना। बहुत सारे कलर देख रहे हैं ना, तो अपना अपना हर एक कलर का अपना अपना पहचान होता है, ठीक है। वैसे आप लोग बताइए किस क्लास के बच्चे हैं आप लोग, कौन कौन से? 6 और 5। अच्छा, यानी 6 से सब नीचे हैं आप लोग। अच्छा, 7 से सब नीचे हैं। तो देखिए आप लोग, तो आप लोग जरूर मैप देखिएगा, तो मैप पर कीजिएगा, तो आप लोग जरूर कलर का इस्तेमाल करने के लिए बोला जाएगा। टीचर्स लोग जरूर बोलेंगे कलर लेकर आइए, क्यों? क्योंकि हमारे मैप पर अलग अलग चीजों को अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया। जैसे कि मैं पहला बताने जा रहा हूँ, जो आप लोग ब्राउन रंग देख पा रहे हैं यानी भूरा रंग, वो क्षेत्र वैसा जगह जहाँ पर पहाड़ी एरिया हो, पठारी क्षेत्र हो, भूमि हो, ये सबको दर्शाने के लिए हम लोग ब्राउन रंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और आप लोग येलो रंग भी देख पा रहे होंगे, येलो कलर तो डिजर्ट एरिया, मरुस्थल, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बालू इलाका, जैसे थार डिजर्ट हो गया, सहारा डिजर्ट हो गया, गोबी डिजर्ट हो गया, ये सब क्या है? सिर्फ बालू इलाका है ना, उन सभी चीजों को हम लोग येलो कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप सभी ग्रीन कलर देख पा रहे हैं क्या? अब ग्रीन कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये तो सभी को पता होना चाहिए। यानी वैसे जहाँ पर खेती बाड़ी की जाती है, पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, जंगल एरिया हो, वो सभी जगह को ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। और व्हाइट कलर से क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अगर पोलर साइड में देखें तो हम लोग को ग्लेशियर नजर आता है। अगर स्पीयर, बीच स्पीयर पर देखें तो हम लोग को क्लाउड्स नजर आता है, ठीक है। यानी बादल को रिप्रेजेंट करने के लिए व्हाइट कलर, और ग्लेशियर आइसबर्ग को रिप्रेजेंट करने के लिए व्हाइट कलर का इस्तेमाल करते हैं। और ब्लू कलर जहाँ भी वाटर बॉडीज है, जितने भी ओशियन है, सी है, जहाँ लेक है, उन सभी को हम लोग ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो हमारा मौजूद 75% सिर्फ और सिर्फ पानी हमारे पृथ्वी पर, जिस कारण से इसको ब्लू दिख रहा है, इसलिए ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। ओके, तो सौर मंडल का कौन सा नंबर का ये प्लैनेट है? 3rd नंबर का। हमारा सोलर सिस्टम ये निवास करता है बहुत अच्छा जगह पे, यानी जिस कारण से फेवरेबल हीट मिल पाता है। तो हमारा सोलर सिस्टम ही कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। नाम सुने कि नहीं मिल्की वे गैलेक्सी का? है, सुने ना। तो आज हम लोग सामने उसको देखेंगे भी। ये देखिए, अरबों खरबों ताराओं का समूह देख पा रहे हैं अभी हम लोग। तो क्या इसमें बच्चे लोग बताएंगे हमारे सौर मंडल का सबसे हेड कौन होता है? हमारे सौर परिवार का हेड कौन होता है भाई? सन, सूर्य होता है ना। तो क्या यहाँ पर आपको सन देखने को मिल रहा है क्या? सूर्य कहीं दिखा? नहीं दिखा। ये मिल्की वे गैलेक्सी में ही हम लोग का सौर मंडल मिलता है, लेकिन एक कंपेयर करके बताऊं तो इसमें सन को खोजना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है, ठीक है। यहाँ सूर्य को हम लोग बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, लेकिन एक लाइन खींचा हुआ आप सभी देख पा रहे होंगे, है ना। क्या लिखा हुआ बच्चों लोग, है ना? अल्फा सेंटोरी लिखा हुआ। इस डॉट पॉइंट में 3 स्टार्स है जिनका नाम है अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी, और तीसरे का नाम प्रोक्सिमा सेंटोरी होता है। ध्यान दे, जो प्रोक्सिमा सेंटोरी है हमारे सन के बाद सेकेंड नियरेस्ट स्टार वही है। तो पहला नियरेस्ट स्टार हम लोग का कौन है? सन है, सूर्य है, और सेकेंड नियरेस्ट स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी है, वो हमारे पृथ्वी से 4.2 लाइट ईयर दूर है, बहुत दूर है ना। ये बात बताया जा रहा है। अब चलिए जूम इन करते हैं और अंदर चलते हैं, और सूर्य को यानी सन को, जो एकदम आग का धधकता हुआ गोला है, उसको देखते हैं। ध्यान से देखिए क्या है आपके सामने, सन, सूर्य आपके सामने दिख रहा है। कहने का मतलब आप लोग चमकता धमकता भी पार्ट देख पा रहे हैं, लाइव सूर्य को भी देख रहे हैं, है ना। तो सूर्य हम लोग को नजदीक से देखा जाए तो कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। और आप लोग को बता दो, जो सूर्य का बाहरी गैसियस लेयर होता है उसका नाम कोरोना होता है, जिसका तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस होती है। अगर कभी सूर्य के सामने हम लोग चल गए, मान लीजिए ओरिजिनल सूर्य होता, तो हम लोग अभी तुरंत विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड भाप में बदल जाते हैं, समझ गया ना, जैसे प्रेशर कुकर से भाप निकलता है ना, वैसा तुरंत। अब चलिए, सूर्य देख पा रहे हैं चमकता धमकता पार, उसको सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। आगे देखते हैं, सूर्य का जब एक्सरे किया जाए तो सूर्य कैसा नजर आएगा वो भी देख लेते नजारा। ये देखिए, ये क्या है? ये सूर्य ही है लेकिन एक्सरे
मदद से अगर देखे जाए या फिर इसका एक्सरे किया जाए तो हमें कुछ ऐसा ही सूर्य देखने को मिलेगा। और ये यहाँ पर क्लियरली आप सोलर फ्लेयर्स देख सकते हैं, जो चमकीला पार्ट नजर आ रहा है आप सभी को चमकता हुआ, वहां से निकलता है। यहाँ पर रिएक्शन होता है फिजन एंड फ्यूजन नाम का, है ना, आप लोग आगे पढ़िएगा, है ना, जिसका ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है वही हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है। और इतना गर्मी हम लोग को लगता है, अभी तो हम लोग एसी में बैठे तो चिल है, अब जैसे ही बाहर निकलते हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी लगता है ना, लगता है कि नहीं बच्चा? वेरी गुड। अब चलिए हम लोग देखते हैं अपने सौर्य मंडल के सौर्य परिवार को। उम्मीद करता हूँ जितने बच्चे बैठे हैं सभी सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स का नाम याद है, पक्का ना? तो आपको कौन कौन सा प्लैनेट दिख रहा है बता सकते हैं आप लोग? दिख रहा है, फिर नाम जानते हैं तो बता दीजिए। बुध, शुक्र, शनि, मंगल और कौन कौन होता है? अच्छा, आप लोग इंग्लिश मीडियम है कि हिंदी मीडियम? हाँ, तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स यार, और क्या है ना, आप लोग याद है? कोई बच्चा लोग बताएगा सीक्वेंस वाइज से? अरे 7 क्लास, 6 क्लास सोलर सिस्टम पढ़े कि नहीं पढ़े? तो यस सर, बस यस सर। आज यहाँ पर हम लोग सभी प्लैनेट को जानेंगे भी, देखेंगे भी, और उसको नजदीक से देखेंगे, ऐसा लगेगा कि सच में हमारे सामने वो प्लैनेट आ गया है। ठीक है, आप लोग पहचान लेंगे ना? चलिए, नाम भी जानेंगे, पहचानेंगे भी, और हम लोग उसके बारे में जानेंगे भी। तो सबसे पहला चीज आप लोग गेस कीजिए और बताइए ये है क्या? मून। क्या बात है बच्चा, क्या बात है? आप एक्चुअली ऐसा नहीं है, जिधर सूर्य का रोशनी पड़ता है उधर तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जिधर सूर्य का रोशनी नहीं पड़ता है उधर तापमान निगेटिव में चला जाता है। ठीक है, ये कौन सा प्लैनेट हुआ, कौन सा प्लैनेट हुआ? अभी बताए मरकरी। मून, मून चिल्ला रहे हैं आप लोग, ये मरकरी है बुध ग्रह। थक रहा है कि नहीं आप लोग? आप लोग यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आप लोग का कोई टीवी सीरियल छूट रहा है, वो भी लगा देंगे यहाँ। अब बताइए ये क्या है? चंदा मामा। सब तुमको चंदा मामा दिखाई देता है, ये भी चंदा मामा है क्या? वे ना, नहीं जी, सच में चंदा मामा। ये मून है हमारा अर्थ का नेचुरल सेटेलाइट, ये मून है भाई, चांद है। एक्चुअली कंफ्यूजिंग करने वाली पार्ट ये है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। जो ब्लैकिश पार्ट देख पा रहे हैं इसको मारिया के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो हमेशा हम लोग जिंदगी भर इसी चीज को देखते हैं, और जो पार्ट को हम लोग कभी नहीं देखते हैं ये चमकीला पार्ट है जिसको हम लोग लूनर हाईलैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये चांद का ये दूसरा फलक होता है जिसको देखने के लिए साइंस सेंटर आना पड़ेगा, स्पेस में जाना पड़ेगा, स्पेस में जाने के लिए आप लोग को पढ़ाई करना पड़ेगा तब ना। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, आप बताइए ये क्या है? क्या है बच्चे लोग? ये मरकरी, ये है शुक्र ग्रह, ये है वीना, जिसको हम लोग मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार या फिर ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी इसको सुबह का तारा, शाम का तारा और पृथ्वी के जुड़वा बहन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसको हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, यानी कहने का मतलब सबसे गर्म ग्रह यही है, यानी सबसे गर्म ग्रह जो हम लोग जानते थे पहले से मरकरी है, तो मरकरी बिल्कुल नहीं है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है, यानी वेनस है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसके एटमोस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा 90% मिलता है, 90% कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और इसको पहचाने क्या है? हाँ ना, इसको पहचान गए आप लोग ना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है? क्या है ये? जोर से बोलिए, पावर बच्चे लोग में तो और चिल्लाने का कैपेसिटी होता है, बताइए क्या है ये? हाँ, तो जोर से बोलिए ना, मार्स है, मंगल है। ठीक है, जिसको हम लोग लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। एक्चुअली आप लोगों को बता दूं ये लाल क्यों दिखता है, तो आगे पढ़िएगा कि कंपाउंड है फेरस ऑक्साइड का मात्रा यहाँ बहुत ज्यादा मिलता है इसलिए। और पता लगाया गया है कि मार्स पे भी ग्लेशियर मिलते हैं, जैसे कि बताया ना व्हाइट कलर से क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर पोलर रीजन पर देखा जाए तो ग्लेशियर ये देखिए, और ऊपर में भी देखिए ये ग्लेशियर है, यानी कहा जा रहा है कि मार्स पर भी लाइफ पॉसिबल हो सकता है। अच्छा, आप लोग माउंट एवरेस्ट का नाम सुने? आप लोग बस एक ही बच्चा सुना है, बाकी सब लगता है वहां पहुंच के आ गया है। वहां सब चढ़ गया है क्या माउंट एवरेस्ट पे? बोलिए ना, माउंट एवरेस्ट का नाम सुने हैं ना? ठीक है, ये मार्स है जिसको लाल ग्रह, और ये क्या है? वाह, हमको उम्मीद नहीं था कि आप नेपच्यून को भी पहचान नहीं पाएगा। एक्चुअली ये बृहस्पति ग्रह है, जुपिटर है, जो कि हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह के रूप में देखा जाता है ना? ये हमारे सौरमंडल में सबसे भारी प्लैनेट यही है और सबसे बड़ा भी यही है। एक्चुअली एक बात बताऊं, ये यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है, ये आंख लगे स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? आंख टाइप का बना हुआ, ये एक प्रकार का चक्रवात है जो बृहस्पति ग्रह पे चलता फिरता है। ये इतना बड़ा है, इसके अंदर 3 पृथ्वी आराम से समा सकती है। देखने में लग रहा है छोटा, लेकिन है 3 पृथ्वी के साइज के बराबर। तो सोचिए कि पूरा ये बृहस्पति ग्रह कितना बड़ा होगा हमारे पृथ्वी से,
कुछ बोलिए नंबर। 200 का नोट पहचान में आता आप लोग को? 500 का, 1000 का? 1000 का पहचान लीजिएगा। कहने का मतलब जो पूरी तरह जो हमारी बृहस्पति ग्रह है इसके अंदर करीबन 1300 पृथ्वियां समा सकती है, समझ गए? यानी 1300 पृथ्वियां इसके अंदर, जिस कारण से बृहस्पति बहुत बड़ा ग्रह बनाया जाता है, बहुत है। लेकिन ये ऐसा ग्रह है सिर्फ और सिर्फ गैस का ही बना है, ये गैसियस प्लैनेट होता है। ओके, आगे सैटर्न यानी शनि ग्रह को देखते हैं। आप लोग कहिएगा सैटर्न कैसे है, हम ओरिजिनल रिंग को हटा दिए हैं, ओरिजिनल सैटर्न दिखा रहे हैं, ठीक है? हीलियम गैस के कारण ये कुछ ऐसा नींबू टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है। इसके बाद बता दूं इसके पास 145 मून होते हैं। हमारे पृथ्वी के पास कितने मून होते हैं? एक ही मून होते हैं, लेकिन इसके पास 145 मून अभी भी खोजा जा रहा है, शायद 200 हो जाएगा, ठीक है ना? ये बात बता इसके बारे में। और ये दूसरा सबसे भारी प्लेनेट है, ठीक है? पहला कौन सबसे भारी प्लेनेट? बहुत अच्छा, लड़का ध्यान दे रहा है, बिस्किट पे अभी ध्यान नहीं दे रहा लड़का, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं, यूरेनस को देखते हैं। ये है यूरेनस, जिसको अरुण ग्रह के नाम से जानते हैं, जो कि फेंट ब्लू कलर का दिखता है। और ये अगला है नेपच्यून, जो कि कुछ ज्यादा ही नेवी ब्लू टाइप का दिखता है, समझ गए? ये नेपच्यून है, ये वरुण ग्रह है, और ये सबसे अभी तक का लास्ट वाला प्लैनेट है। लेकिन 2006 से पहले एक और प्लैनेट हुआ करता था जिसका नाम था प्लूटो। आपके सामने ये प्लूटो है, जो कभी ड्वार्फ प्लैनेट यानी सबसे छोटा प्लैनेट के रूप में देखा जाता है, पढ़ा भी जाता है। और ये 2006 में इसलिए हटा दिया गया क्योंकि ये दूसरे को ऑर्बिट को कट करता हुआ दिखा। आप लोग अपने 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 स्कूल के अपने अपने बेंच पे बैठते हैं ना, आज आज रोहन के बेंच पे बैठे, कल सोहन के बेंच पे बैठ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये अपने ऑर्बिट पर नहीं घूमता था, यानी अपने क्लास में नहीं घूमता था, दूसरे के क्लास में घूम कर आ जाता था, जिस कारण से इसको प्लैनेट के कैटेगरी से हटा दिया गया, समझ में बात आई? अब चलिए, अगर मान लीजिए आपको एरोप्लेन में बैठा दिया जाए, उसके बाद आप अर्थ को देखें, तो अर्थ कुछ ऐसा चलता फिरता बादल को देखने को मिलेगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड में आप ये चलता फिरता बादल देख सकते हैं, है ना? ये कब का डाटा बता रहा है? ये 24 जून 2024 का बता रहा है, और ये 25 जून 2024, यानी हाल फिलहाल का, अभी एक महीना होने वाला है, उतना पुराना ये डाटा आपको दिखा रहे हैं, है ना? आप लोग मौसम विभाग का भी जो डिस्प्ले होता है ना, कुछ ऐसा ही होता है ना, यही बादल का रूप हवा देख के बताते हैं कि बारिश होने वाली है कि नहीं होने वाली है। लेकिन जब बताते हैं ना, उसके एक दो दिन बाद बारिश होती है, उस दिन बारिश नहीं होती है ना, ये भी देखा गया है। चलिए, अगर क्या हो जाए, पूरी तरह बादल गायब हो जाए, उसके बाद हम लोग को अर्थ कैसा लगेगा ये देखिए। अब पूरी तरह बादल गायब हो गया, अब देखिए, है ना, अर्थ एकदम शांत से दिख रही है ना, आप आइडेंटिकली हर एक कंट्री कंटिनेंट को देख सकते हैं। अच्छा, भारत किधर है? आप लोग पहचान सकते हैं इंडिया किधर है? किधर है? ले, वर्ल्ड से भारत को हटा दिया गया क्या? कोई बोल ही नहीं रहा है। अरे भाई, यह है देखिए, है ना, पेनिनसुला कंट्री टाइप का दिख रहा है ऐसा कुछ। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को एक और चीज दिखाते हैं। अगर ये अभी बादल गायब किया, अगर सच में पानी गायब हो जाए, उसके बाद पृथ्वी कैसी दिखेगी ये देखिए, है ना? जब पूरी तरह पृथ्वी पर से पानी गायब हो जाए, तो पीने के लिए कुछ बचेगा? देखिए, ये तो समुद्र के पानी भी पीते हैं क्या आप लोग? नहीं ना, चापाकल वाला ना, मोटर वाला, चापाकल वाला। चलिए, देख रहे, ये पूरी तरह जब पानी खत्म हो जाए, तो हमारा पृथ्वी ऐसे दिखेगा। ओके, क्या हो अगर दिन पर, मतलब दिन के समय चंद्रमा मामा उग जाए और रात के समय सूर्य भगवान उठ जाए, तो देखिए कुछ ऐसा रहेगा। मैंने सही बोला ना? यस सर, है ना? बच्चे लोग सर कहाँ आप खो दिए हैं बच्चे लोग को, बुलबुलई में घुमा के नहीं ना लाए सर? मैंने बोला दिन के समय चंद्रमा मामा आते हैं, सही बोला था? तो आप लोग बोले हाँ सर, है ना भाई, हम बहुत वहां ट्विस्टिंग गेम भी खेलते हैं, है ना, इसलिए आप लोग थोड़ा दिमाग यहाँ बनाए रखें। देखिए, अब दिन के समय अगर पृथ्वी देखेंगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा, और रात के समय पृथ्वी देखेंगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा। कब? जब हम लोग स्पेस में रहेंगे तब। ये जलने वाला चीज क्या है बच्चे लोग? वो क्या क्या चल रहा है ना? तारे हैं, तारे हैं, जो हमारे घर में, जो स्ट्रीट लाइट में, जो जहीं भी लाइट जलते हैं, अगर सेटेलाइट फोटोग्राफी ली जाए रात के समय, तो ऐसे चमकता हुआ चीज क्या दिखेंगे? लाइट से, है ना? और ये दिन के समय तो देख रहे हैं कैसा दिख रहा है। ओके, और चलिए पूरा नाइट व्यू कर देते हैं, उसके बाद पूरा वर्ल्ड देखिए कि कैसा डॉटेड टाइप का दिख रहा है ना। आप इंडिया देख सकते हैं, देखिए इंडिया को दिखाता हूँ, कहाँ गया, ये रहा, है ना? तो देखिए इंडिया भी कैसे लाइट चमकता हुआ चीज दिख रहा है, कहने का मतलब यहाँ इतना डेवलपिंग है, अभी तक हो रहा है धीरे धीरे,